हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आपके यूके स्टडी पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो संविधान, चूंकि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज का आपका सब्जेक्ट क्या है। हम लोग देखेंगे कि भारत में जो संविधान का विकास हुआ था, हालांकि वो दो चरणों में हुआ था, तो उसी का जो डेवलपमेंट हुआ है कब कब कैसे कैसे हुआ है, जो आपको चूंकि हम आपको बता चुके थे पिछले क्लास में कि आपको जब यहाँ पर भारत में क्या रहा था, क्या चल रहा था, कंपनी का जब शासन चल रहा था और उसके बाद किसका शासन चला, तो क्राउन का शासन चला। तो उसके समय में आपको ब्रिटिश संसद के द्वारा समय समय पर बहुत सारे नियम और कानून बना करके भेजे गए थे भारत में, और वही नियम और कानून को आधार बना करके भारतीय संविधान का क्या किया गया था, विकास किया गया था। तो उन्हीं हम नियमों और कानूनों को देखेंगे, कौन से ऐसे नियम और कानून समय समय पर आए जो भारतीय संविधान के आधार बने थे। तो आपको पहले ये बता दें कि ये मेरा पॉलिटिक का तीसरा लेक्चर होगा और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि आपको इस सेक्शन से प्रत्येक एग्जामों में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको विशेष रूप से इसे पढ़ना चाहिए ध्यान दे करके कि आपको इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो हम देखेंगे कि आपको कंपनी के अधीन, चूंकि भारत में संविधान का जो विकास है दो चरणों में हुआ है, एक कंपनी के अधीन जो 1600 से लेकर के 1853 तक चला था, और इस समय जो नियम और कानून आए थे उनसे कुछ संग्रहित किया गया है, और कंपनी के क्राउन के अधीन जो हमारा शासन चला था वो 1858 से लेकर के 1947 तक चला है। तो उसके समय में कौन कौन से नियम और कानून आए हैं उनको हम बारी बारी से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा क्या है, आपको कंपनी के अधीन आपको आने वाला जो पहला हमारा कानून था वो क्या था। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा, तो हमारा पहला जो कानून आ रहा है हमारा कौन सा कानून आ रहा है, तो पहला वाला हमारा जो कानून आ रहा है कौन सा, आपको 1600 का क्या आ रहा है, 1600 का आ रहा है हमारा क्या, 1600 ईस्वी में आया था हमारा क्या, एक चार्टर एक्ट, क्या आया था, चार्टर एक्ट आया था 1600 का चार्टर एक्ट। तो इस एक्ट में क्या क्या किया गया था, उस चीज को हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो सबसे पहले इस एक्ट में सुधार किया गया था कि आपको इसमें सुधार क्या क्या है, इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या थी हम देखते हैं। तो पहली विशेषता थी कि इस चार्टर एक्ट के द्वारा, 1600 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि भारत में जो ब्रिटिश जो कंपनियां थी, ब्रिटिश जो कंपनी थी जिसका नाम क्या था हमारा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए क्या किया गया, 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ, उस पूर्वी देशों में भारत भी क्या था, शामिल था, क्या किया गया 15 वर्षों के लिए क्या किया गया, 15 वर्ष के लिए क्या किया गया, व्यापार का एक अधिकार प्राप्त कर दिया गया, व्यापार का आपको मोनोपोली दिया गया, व्यापार का एक अधिकार दिया गया। तो ये चीज पहला विशेषता था इसका, आपको इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया पहला काम कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, मात्र ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ब्रिटिश कंपनी थी, 15 वर्षों के लिए इसे व्यापार का एक अधिकार प्राप्त किया गया पूर्वी देशों के साथ, किसके साथ, तो पूर्वी देशों के साथ दिया गया था, किसके साथ, पूर्वी देशों के साथ ये अधिकार दिया गया था, और इस पूर्वी देशों में कौन शामिल था, भारत भी शामिल था। दूसरा जो इसका विशेषता था, पहला विशेषता क्या था आपको इसमें, तो ये विशेषता था। दूसरा हमारा विशेषता जो था आपको कि जो कंपनी होगी तो उस कंपनी का प्रबंधन भी क्या करेगी, आपको एक परिषद करेगी, क्या करेगी, एक परिषद जो होगी आपको, ठीक है, काउंसिल होगी, और काउंसिल को क्या करना है, तो आपको इसके क्या करेगी, प्रबंधन करेगी, कंपनी का प्रबंधन कौन करेगी, तो आपको 24 सदस्यीय आपको कौन करेगी, तो एक हमारा 24 सदस्यीय क्या थी, काउंसिल थी, 24 सदस्यीय काउंसिल थी, और उस काउंसिल का क्या कार्य था, तो काम था इसका केवल आपको, तो आपको प्रबंधन करना, किसका, तो कंपनी का आपको मैनेजमेंट करना, किसका काम था, तो परिषद का, परिषद जो थी वो 24 सदस्यीय थी, काम क्या था इसका, प्रबंधन करना था, और किसका प्रबंधन करना था, तो इस कंपनी का प्रबंधन करना था। जो तीसरा नंबर जो कार्य था इसका, कि कार्य नहीं था, हालांकि जब ये कंपनी यहाँ पर आई थी तो तीसरा नंबर जो हमारा कार्य था आपको क्या था, नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये जो हमारा तीसरा नंबर कार्य था किसका, आपको जो हमारी जो इसकी विशेषता जो थी, इसके तहत क्या किया गया ना, कि आपको बंगाल,
बंगाल है मद्रास और बंबई का जो मुंबई सॉरी बंगाल मद्रास और बंबई को क्या किया गया तो प्रेसिडेंसी घोषित किया गया क्या किया गया बंगाल बंगाल आपको मद्रास तथा क्या किया गया आपको बंबई को क्या किया गया तो बंबई को प्रेसिडेंसी आपको घोषित किया गया क्या किया गया तो प्रेसिडेंसी घोषित प्रेसिडेंसी कहा गया क्या कहा गया प्रेसिडेंसी कहा गया तो प्रेसिडेंसी क्यों कहा गया था तो कारण था कारण क्या था प्रेसिडेंसी कहने का तो कारण था कि इस पर प्रेसिडेंस का प्रेसिडेंट का क्या था आपको प्रेसिडेंट का क्या था तो शासन हुआ करता था इसी कारण से इन तीनों क्षेत्रों को अर्थात बंगाल बंगाल है मद्रास है तथा बंबई को प्रेसिडेंसी कहा गया क्या कहा गया प्रेसिडेंसी कहा गया और क्या कहा गया प्रेसिडेंसी कहा गया कारण क्या था क्योंकि इस पर प्रेसिडेंट का शासन हुआ करता था तो ये आपको तीन विशेषताएं आपको याद रखनी चाहिए किसमें तो 1600 का जो चार्टर एक्ट आया था ये आपको इसमें विशेषताएं थी तो अब हमारा जो अगला चार्टर होगा वो होगा हमारा तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि हम आगे देखेंगे कि जो इसकी जो दूसरी हमारी क्या है जो कंपनी की विशेषता है वो क्या है तो देखते हैं तो आप देख लिया होंगे कि ये जो हमारी कंपनी जो थी उसके सॉरी ये हमारा जो चार्टर था 1600 का इसकी तीन विशेषताएं थी अगला जो हमारा चार्टर होगा वो देखेंगे कि हमारा चार्टर कौन सा होगा तो हमारा चार्टर है 1726 का चार्टर है इसकी कुछ आपको ज्यादा आपको इसमें विशेषताएं नहीं है कि हमारा दूसरा चार्टर कौन है हमारा तो है 1726 का हमारा क्या है आपको चार्टर एक्ट है क्या है चार्टर एक्ट है तो इसकी क्या विशेषताएं हैं वो हम देखेंगे बस इसमें कुछ ज्यादा विशेष बात नहीं याद करना है पहला विशेषता इसका ये था कि आपको अभी हम आपको बताया कि 1600 चार्टर के द्वारा क्या किया गया कि बंगाल मद्रास और बंबई के जो प्रेसिडेंसी है उसको प्रेसिडेंसी बनाया गया ठीक है और प्रेसिडेंसी इसको क्यों कहा गया था क्योंकि इस पर प्रेसिडेंट का अधिकार हुआ करता था तो उसी प्रेसिडेंसी को अर्थात इसमें बंगाल क्या है हमारा बंगाल बंगाल है उसके बाद हमारा क्या है मद्रास है तथा क्या है हमारा आपको बंबई है इसमें क्या किया गया ना इन तीनों प्रेसिडेंसियों के लिए आपको क्या किया गया कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया तो परिषद को दिया गया किसको दिया गया कानून बनाने का जो अधिकार है किसको दिया गया परिषद को और ये कानून आपको क्या होना चाहिए तो ब्रिटिश संसद के द्वारा जो बनाए गए कानून है उसके विरुद्ध में नहीं जाना चाहिए और युक्त संबंध होना चाहिए तो ये रहा हमारा क्या 1726 का हमारा क्या है चार्टर एक्ट तो हम आगे देखेंगे कि हमारा जो अगला चार्टर एक्ट है वो हमारा कौन सा चार्टर एक्ट है तो हमारा तीसरा जो चार्टर एक्ट है वो है हमारा क्या तो तीसरा हमारा चार्टर है क्या तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है तो देखेंगे कि आपको तीसरा जो हमारा चार्टर एक्ट है वो क्या है तो 1773 का आपको रेगुलेटिंग एक्ट है क्या है 1773 का आपको रेगुलेटिंग एक्ट है क्या है रेगुलेटिंग एक्ट है क्या है आपको रेगुलेटिंग एक्ट है तो इसकी विशेषताएं क्या थी तो हम लोग जानेंगे सबसे पहला चीज कि आपको देख रहे होंगे कि इसमें क्या वर्णित है रेगुलेटिंग रेगुलेट मतलब होता है चलाना क्या होता है चलाना होता है तो क्या चलाना तो प्रशासन को चलाने से संबंधित है रेगुलेट मतलब होता है यहाँ पर क्या चलाना है तो प्रशासन चलाना है क्यों कारण देखिए कारण ये था कि आपको बता दें कि जो हमारी जो कंपनी थी आपको इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी वो भारत में आकर के काफी क्या करने लगी आपको पहले तो व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी लेकिन बाद में आकर के इसका शोषण करने लगी और धीरे धीरे आपको काफी इतना शोषण इसका बढ़ गया कि भारत में लोग त्रस्त हो गए और इसकी जो सूचना है आपको ब्रिटिश संसद के पास चली गई और साथ साथ आपको एक और बात बता दें कि जो हमारी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या कर रही थी कि उसके जो कर्मचारी हैं वो निजी व्यापार करना शुरू कर दिए थे जिसके कारण जो कंपनी वो गरीब हो गई थी और कंपनी के जो कर्मचारी थे वो अमीर हो गए थे जिसके कारण आपको ये जो हमारी कंपनी थी ब्रिटिश संसद से चूंकि उस समय सरकार हमारी आपको उस समय की सरकार से क्या किया गया डिमांड किया गया कि कंपनी को फिर से थोड़ा सा रेगुलेट करने के लिए चलाने के लिए क्या किया जाए तो कुछ पैसे का डिमांड किया गया
तो इसमें क्या किया गया कि ना, तो ये सूचना पहुंचा कहां पर, ब्रिटिश संसद के पास। कहां पहुंचा? ब्रिटिश संसद के पास। तो क्या हुआ कि आपको ये जो हमारी कंपनी थी, आप सॉरी, ये जो कंपनी थी क्या कि आपको डिमांड की ब्रिटिश संसद के द्वारा कि हमको कुछ पैसा दिया जाए कि भारत में फिर से क्या किया जाए, व्यापार चालू किया जा सके। तो इसके लिए सरकार ने क्या की, चूंकि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ थे, तो उन्होंने क्या किया, तो डिमांड क्या किया गया था, सबसे पहला चीज तो यहाँ पर देखते हैं कि जो रेगुलेटिंग एक्ट चल रहा था, यहाँ पर आया था, तो उस समय आपको देखते हैं कि उस समय रेगुलेटिंग एक्ट जब चल रहा था तो क्या किया गया ना, आपको प्रधानमंत्री उस समय कौन था, वहां पर पीएम कौन था भाई, तो वहां पर पीएम थे हमारे कौन, लॉर्ड नॉर्थ थे। कौन थे? लॉर्ड आपको नॉर्थ थे। तो इन्हीं से क्या किया गया, डिमांड किया गया पैसे का। तो कितना पैसे डिमांड किया गया था, आपको डिमांड किया गया कुछ पैसों का। तो ये जो हमारे क्या किया गया ना कि लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा एक समिति बनाया गया। क्या बनाया गया? एक समिति बनाया गया। और इसी समिति ने क्या किया, इन्हीं के प्रतिवेदन पर, समिति के प्रतिवेदन पर क्या किया गया कि आपको इस एक्ट को संसद से क्या किया गया, पारित किया गया। क्या किया गया? आपको संसद से क्या किया गया, इसको पारित कर दिया गया, इस एक्ट को, इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इसमें तय किया गया कि 4% के ब्याज पर, मतलब बताया गया कि 4% के ब्याज पर क्या किया गया, 14 लाख, क्या है आपको 14 लाख, क्या किया गया, 14 लाख पौंड का आपको इसमें ऋण दिया गया। किसको? तो कंपनी को ऋण दिया गया, 4% के ब्याज पर 14 लाख पौंड का ऋण दिया गया। किसको? तो इस कंपनी को। तो ये तो रहा हमारा, उस समय जो पीएम थे ये कार्य करिए थे। उसके बाद देखेंगे कि ये जो पीएम है, तो ये जो एक पारित हुआ था उसमें, इस एक्ट में कौन कौन सी विशेषताएं थी, तो हम लोग देखेंगे। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ा इसकी और विशेषताओं को हम लोग देखेंगे। तो 1777 का ये आपको आगे हम देखते हैं, और इसमें क्या इसकी विशेषताएं क्या थी, तो हम देखेंगे इसकी विशेषताओं को कि क्या क्या विशेषताएं थी। सबसे पहली विशेषता ये थी कि, सबसे पहली विशेषता क्या थी हमारी, तो सबसे पहली विशेषता थी कि आपको, आपको क्या किया गया ना कि जो बंगाल के जो गवर्नर थे, क्या किया गया, बंगाल के आपको गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। क्या किया गया? बंगाल के गवर्नर को क्या किया गया, आपको बंगाल का क्या किया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया। क्या बनाया गया? गवर्नर आपको जनरल बनाया गया। बस थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, गवर्नर की जगह पर क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल कर दिया गया। और ये जो अवसर प्राप्त हुआ था, ये अवसर किनको प्राप्त हुआ था, तो वारन हेस्टिंग्स को प्राप्त हुआ था। वारन हेस्टिंग्स को क्या हुआ था, ये अवसर आपको प्राप्त हुआ था। ये बंगाल के प्रथम, ये आपको बंगाल के प्रथम गवर्नर है और अंतिम गवर्नर भी है। सॉरी, बंगाल के क्या है हमारे, अंतिम गवर्नर और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी ये कहे जाएंगे। तो ये अवसर प्राप्त हुआ इनको। अगली व्यवस्था इसमें क्या की गई कि ये 1777 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपको 1774 में क्या किया गया कि आपको, आपको सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कहां पर, तो कोलकाता में। कहां पर? कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और ये जो सुप्रीम कोर्ट में क्या थे, आपको एक मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे? एक मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था क्या, इलिजा इम्पे। क्या नाम था? इलिजा इम्पे नाम था। और तीन अन्य जो इसमें मेंबर थे, तीन अन्य न्यायाधीश थे। कितने थे? एक हमारा मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश थे, अन्य न्यायाधीश थे, वो देखेंगे कि कौन कौन थे। तो अन्य न्यायाधीश को याद करने के लिए हम ट्रिक बताते हैं, क्योंकि आप जाते हैं जब सुप्रीम कोर्ट में, क्या करते हैं, तो आपको उसमें क्या होता है, जाना पड़ता है, यानी कि चलिहा। चलिहा मतलब क्या होता है? चलिहा, चलिहा मतलब क्या होता है, सुनिएगा, च से क्या होगा, चैम्बर्स होगा। क्या होगा? चैम्बर्स होगा। क्या होगा? चैम्बर्स होगा। उसके बाद क्या होगा हमारा, लिम्बेस्टर होगा। क्या होगा? लिम्बेस्टर होगा। और तीसरा हमारा क्या होगा, हाइड होगा। ये तीन अन्य न्यायाधीश थे इस, आपको ये जो हमारा बना था सुप्रीम कोर्ट, उसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो इलिजा इम्पे थे। कौन थे? इलिजा इम्पे। और तीन अन्य जो न्यायाधीश थे वो कौन थे हमारे, तो याद रखिएगा, एक ट्रिक है। क्या है हमारे ट्रिक है कि क्या, इसे याद करेंगे, च से क्या होगा, चेम्बर्स, ल से क्या होगा, लिम्बेस्टर,
और हमारा क्या होगा इन्वेस्टर और हॉर्स क्या होगा हाइट। तो ये आपको विशेषताएं हैं, ये क्या है आपको दूसरा विशेषता है। और इसमें विशेषता क्या था तीसरा तो देखते हैं कि क्या किया गया ना आपको इस एक्ट के तहत आपको क्या किया गया चार सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था किसके लिए। तो आपको क्यों किया गया था थोड़ा और आपको जान लें इसके अंतर्गत और क्या किया गया। जब ये आपको कर दिया गया तो यहाँ जो हमारा बंगाल के जो गवर्नर थे गवर्नर जनरल चूंकि बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया था तो थोड़ा उनके और भी कार्य को क्या कर दिया गया बढ़ा दिया गया। क्या कर दिया गया इसमें तो मद्रास मद्रास प्लस आपको बंबई के गवर्नर को मद्रास और बंबई के गवर्नर को क्या कर दिया गया तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। बंगाल के आपको गवर्नर गवर्नर जनरल के क्या कर दिया गया अधीन कर दिया गया था। गवर्नर जनरल के क्या कर दिया गया था अधीन कर दिया गया था। ये कार्य हुआ था तो चूंकि इनका भार थोड़ा बढ़ गया था कार्य को लेकर के तो इन्हीं की सहायता के लिए क्या किया गया था आपको चार सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। क्या किया गया था चार सदस्यीय आपको चार सदस्यीय का किया गया था आपको परिषद का क्या किया गया था गठन किया गया था। और इसमें चार सदस्य कौन कौन थे तो हम लोग देखेंगे कि एक था हमारा मानसन थे कौन थे मानसन। दूसरा हमारा कौन था दूसरे हमारे थे कौन बारवेल था कौन था बारवेल था। और एक हमारा कौन था बारवेल है। उसके बाद हमारा तीसरा नंबर कौन थे वो थे आपको मानसन है बारवेल है। एक है हमारा कौन आपको क्वेरल है क्या है हमारा क्वेरल है क्या है क्वेरल है। और जो चौथा है आपको वो है हमारा कौन है तो जो हमारा चौथा है वो कौन है वो है फ्रांसिस है कौन है फ्रांसिस है। तो बस आपको इतनी सारी विशेषताएं याद होनी चाहिए किसमें तो आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। अब हमारा जो अगला एक्ट आया है वो आपको चूंकि इस एक्ट के बाद भी आपको क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय लोगों का क्या किया गया शोषण अभी चल रहा था तो फिर से इसमें सुधार करने के लिए एक एक्ट आया था जिसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। तो आप इसे चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसके बाद देखेंगे हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट को कि क्या इसमें विशेषताएं हैं। तो हम लोग अब देखेंगे क्या तो 1781 का क्या है एक्ट ऑफ सेटलमेंट है। तो इसमें बस एक विशेषता आपको याद रखनी चाहिए विशेषता इसके क्या है तो इसमें आपको विशेषता इसकी है कि आपको क्या किया गया कि आपको कलकत्ता की जो सरकार थी उसको बंगाल बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का क्या कर दिया गया अधिकार दिया गया। क्या बोले हैं तो जो हमारी कलकत्ता की सरकार थी कलकत्ता को क्या कर दिया गया कलकत्ता को आपको बंगाल क्या है हमारा आपको बंगाल और क्या है बिहार और क्या है तो उड़ीसा उड़ीसा के लिए क्या कर दिया गया उड़ीसा के लिए क्या कर दिया गया तो कानून बनाने का क्या कर दिया गया कानून बनाने का आपको अधिकार दे दिया गया। कानून बनाने का क्या कर दिया गया आपको तो अधिकार दे दिया गया। ये चीज हुआ था आपको किसमें तो 1781 के आपको एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। चूंकि ये पूछा जाता है ना कि रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया था तो ये हमारा होगा क्या एक्ट ऑफ सेटलमेंट जिसमें यही सुधार किया गया था। तो हमारा जो अगला एक्ट होगा वो होगा क्या जो चार नंबर हमारा चूंकि इस कंपनी के अधीन आने वाला जो हमारा पांचवा अधिनियम था एक्ट था वो क्या है हमारा तो आपको देखते हैं क्या है तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। क्या है आपको जो पांच नंबर में इस कंपनी के अधीन आने वाला जो हमारा एक्ट था वो था पिट्स इंडिया एक्ट। क्या है पिट्स आपको पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या किया गया था तो सुनिएगा क्या किया गया। सबसे पहला चीज कि चूंकि अब सरकार के पास कार्य ना चूंकि अब सरकार क्या कर रही थी शासन करने की तरफ बढ़ रही थी आपको कौन सी कंपनी जो है शासन करने की तरफ बढ़ रही थी तो काफी लेंथी प्रोसेस हो गया था। तो किया क्या गया इसमें देखते हैं ये क्या हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। इसका नाम क्यों पड़ा है पिट्स तो देखते हैं नाम पिट्स इसलिए पड़ा था इस अधिनियम का क्योंकि उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे पीएम जो थे उस समय कौन थे तो पिट्स थे उन्हीं के नाम पर इस अधिनियम को लाया गया था इसीलिए इस अधिनियम का नाम पड़ा क्या पिट्स इंडिया एक्ट। अगला चीज देखते हैं कि इसकी जो विशेषताएं हो आपको क्या की थी तो इसमें विशेषता ये किया गया सबसे पहले विशेषता जो फर्स्ट है उसमें विशेषता ये किया गया कि
जो हमारी पिट्स इंडिया एक्ट है इसके तहत आपको क्या किया गया, आपको सबसे पहला चीज कि इसमें बंगाल में सॉरी जो हमारी सरकार थी बंगाल की जो सरकार थी उसके कार्यों को क्या कर दिया, दो भाग में बांट दिया गया। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कार्यों को डिवाइड कर दिया गया, क्या क्या कर दिया गया, कार्य को डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहला चीज इसमें कार्य को कैसे डिवाइड किया गया, तो आपको व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया, क्या कर दिया गया, चूंकि हम अभी बताए हैं कि 1781 आते आते आपको कंपनी जो है क्या करने लगी, अब यहाँ पर शासन भी करना शुरू कर दी थी, तो इसलिए थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो गया था इस कंपनी के लिए, ठीक है, मैनेज करना। तो इसके लिए क्या कर दिया, इसके कार्यों को डिवाइड कर दिया किसके, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसके, इंग्लिश ईस्ट इंडिया क्या है हमारा जो कंपनी थी, इंडिया जो कंपनी थी उसके कार्यों को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया, व्यापारिक कार्यों को अलग, व्यापारिक कार्य को अलग, और जो राजनीतिक कार्य थे उसको अलग कर दिया गया था, क्या कर दिया गया था, जो राजनीतिक कार्य थे उसको अलग कर दिया गया था। और अलग करने के बाद इसको कंट्रोल कौन करता था, तो उसके लिए थी हमारे क्या एक बीओडी, क्या था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, इसे हम आपको नियंत्रक मंडल कहते हैं, माफ कीजिएगा व्यापारिक मंडल था, और दूसरा जो था हमारा क्या सीओडी था, क्या था सीओडी, कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर था, जो ये नियंत्रक मंडल था, क्या था हमारा नियंत्रक मंडल था, और ये हमारा एक व्यापारिक मंडल था। तो इसके लिए क्या किया गया ना, इसमें 6 सदस्य हुआ करते थे, कितने 6 सदस्य हुआ करते थे, और इन 6 सदस्यों का जो नियुक्ति करते थे कौन करते थे, वो करते थे हमारी, तो वहां के जो राजा हुआ करते थे प्रिंस, वही आपको इसकी नियुक्ति करते थे 6 सदस्यों की, और इसके अंडर काम करते थे राजा के अधीन। तो ये था हमारा क्या पिट्स इंडिया एक्ट में, इस पिट्स इंडिया एक्ट को चूंकि इसके कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया था, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं द्वैध शासन के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, द्वैध शासन के नाम से आपको जानते हैं। तो पूछा जाएगा कि पिट्स इंडिया एक्ट में क्या किया गया है, या द्वैध शासन कब लाया गया है, तो पिट्स इंडिया एक्ट के समय में लाया गया है द्वैध शासन को। तो आपको ये विशेषताएं आपको याद रखनी चाहिए, बस इसमें क्या याद रखना है, तो इस समय प्रधानमंत्री कौन है, पिट्स है, इसके कार्य को क्या कर दिया है, दो भागों में बांट दिया गया है, व्यापारिक और राजनीतिक, और इसके लिए बीओडी, और इसके लिए क्या हमारा सीओडी, सीओडी के सदस्य कितने हैं 6 हैं, और 6 सदस्यों की नियुक्ति कौन कर रहा था, तो वहां के जो राजा हुआ करते थे वही इसकी नियुक्ति करते थे। तो इसमें हम देख चुके हैं कि ये आपको इसकी विशेषताएं थी। तो हमारा क्या था, इधर आपको आपको एक निदेशक मंडल था और एक नियंत्रक मंडल था, इसे हम क्या कहते हैं, इस बीओडी को क्या कहते हैं, आपको निदेशक मंडल था, कौन था, निदेशक मंडल कहा जाता था इसको, और इसको कहा जाता था क्या, आपको नियंत्रक मंडल कहा जाता था। तो इस तरह से शासन था, और पहली बार इसमें सबसे इसकी बड़ी विशेषता क्या है, तो आपको जो कंपनी के अधीन जो क्षेत्र था उसको ब्रिटिश भारत का क्षेत्र कहा गया, क्या कहा गया, मतलब ना कंपनी के अधीन जो क्षेत्र था उसको ब्रिटिश भारत का क्या कहा गया, ब्रिटिश भारत का, ब्रिटिश भारत अधिकृत क्षेत्र कहा गया, ब्रिटिश भारत अधिकृत क्षेत्र कहा गया था इसमें, तो कंपनी के अधिकृत क्षेत्र को ब्रिटिश भारत का अधिकृत क्षेत्र कहा गया था। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये थी इसकी विशेषताएं, आगे हम लोग देखेंगे कि हमारा जो अगला विशेषता है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा अगला आपको कौन सा एक्ट आया था। तो हमारा अगला जो एक्ट होगा आपको पिट्स इंडिया एक्ट के बाद, वो है 1793 का चार्टर एक्ट है, क्या है हमारा, तो देखेंगे 1793 के चार्टर एक्ट की क्या विशेषताएं हैं, क्या है हमारा आपको 1793 का क्या है हमारा, ये हमारा कितना नंबर एक्ट है आपको, तो ये 6वां नंबर का क्या है हमारा एक्ट था 1793 का, इसे हम चार्टर एक्ट कहते हैं, 1793 का चार्टर एक्ट है हमारा। इस एक्ट की विशेषता बस आपको कुछ नहीं, थोड़ा सा याद करना होगा, और ये बहुत खास है क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके तहत क्या किया गया कि आपको पिट्स इंडिया एक्ट के समय जो सीओडी का गठन किया गया था, सीओडी यानी कि कंट्रोल ऑफ, आपको क्या थे सीओडी था हमारा जो सीओडी, तो इसका आपको कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर जो था इसको कहते हैं क्या नियंत्रक मंडल, जो एक हमारा नियंत्रक मंडल था जिसके सदस्यों की नियुक्ति इसमें 6 सदस्य हुआ करते थे, कितने सदस्य थे 6 सदस्य हुआ करते थे, उन सदस्यों को क्या कर दिया गया कि
जो वेतन है भारतीय राजकोष से देने का प्रावधान कर दिया गया। इनका जो वेतन है क्या कर दिया गया, तो वेतन आपको भारतीय राजकोष से क्या कर दिया गया, भारतीय राजकोष से देने का प्रावधान कर दिया गया। ये आपको देखिएगा कितना है इसका एक ना भारत के शोषण करने का कैसा आपको नियम लाया जा रहा है भारत में। उसके बाद हमारा देखते हैं कि अगला जो हमारा एक्ट होगा वो होगा हमारा सेवन नंबर का क्या होगा, तो 1813 का क्या होगा हमारा आपको चार्टर एक्ट होगा। 1813 का क्या होगा, चार्टर एक्ट होगा। और इस चार्टर एक्ट की क्या विशेषताएं हैं वो आपको बताते हैं। तो अब थोड़ा सा इस भारत में बहुत सारे सुधार किए जा रहे हैं, देखते हैं सबसे पहले इसमें सुधार क्या किया गया। तो चूंकि भारत में काफी हंगामा चल रहा था तो इसके लिए क्या किया गया इस एक्ट के तहत आपको, तो सबसे पहला सुधार जो हुआ था वो सुधार था हमारा कि भारत में आपको प्रत्येक प्रत्येक वर्ष क्या करना था, आपको 1,00,000 रुपया क्या करना था, 1,00,000 जो रुपया है आपको शिक्षा पर खर्च करने का क्या कर दिया गया, शिक्षा पर आपको खर्च करने का क्या कर दिया गया, खर्च करने का आपको प्रावधान लाया गया था इसके तहत। ठीक है, ये पहला कार्य किया गया था। दूसरा कार्य किया गया था इस एक्ट के तहत कि जो जितने भी ईसाई मशीनरियां थी, जो प्रचार ईसाई मशीनरी को क्या कर दिया गया, ईसाई मशीनरी को क्या कर दिया गया, मशीनरी को आपको धर्म प्रचार करने के लिए, धर्म प्रचार करने के लिए आपको आदेश दे दिया गया कि आप धर्म प्रचार कर सकते हैं। इसकी जो तीसरी विशेषता थी इस चार्टर एक्ट की वो क्या थी, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पहली बार क्या किया गया कि जितने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सॉरी आपको अभी तक मालूम था कि जो हमारे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो केवल और केवल वही कंपनी भारत में व्यापार कर सकती थी, लेकिन अब वैसा नहीं था। अब इसका जो मोनोपोली था उसको समाप्त कर दिया गया और अब ब्रिटिश की कोई भी कंपनी आपको भारत में व्यापार कर सकती थी। तो जो व्यापारिक मोनोपोली था उसको क्या कर दिया गया, व्यापारिक जो अधिकार था, एक अधिकार था, एक जो अधिकार था उसको क्या कर दिया गया, एक अधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया कि अब ब्रिटिश की कोई भी आपको इसके अलावा कोई भी अगर कंपनी होगी तो भारत में व्यापार कर सकती है। लेकिन टर्म एंड कंडीशंस थे, कंडीशन क्या था कि इसके तहत आपको एक कंडीशन था, तो हमारा कंडीशन ये था कि आपको भारत में जो चाय का व्यापार होगा वो केवल और केवल उस पर अर्थात इस पर एक मोनोपोली दे दिया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही केवल चाय का व्यापार कर सकती है, इस पर एक अधिकार दिया गया। और साथ साथ तो क्या किया गया, जो चाय था उस पर एक अधिकार बना रहा किसका, तो हमारी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का। बाकी चीजों का व्यापार कर सकती है आपको अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जो अन्य कंपनियां हैं बाकी चीजों का व्यापार कर सकती है, लेकिन जो चाय पर का जो एक अधिकार था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो कहता हूँ अभी तक बना रहा। लेकिन एक और चीज इसमें हुआ था कि जो चीन था, जो चीन जो देश है उस देश में ये सारे जितने भी एक अधिकार थे अभी वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही थी, वहां पर कोई भी कंपनी जाकर के ब्रिटिश की आपको व्यापार नहीं कर सकती थी। तो ये रहा था हमारा क्या आपको 1813 के चार्टर एक्ट क्या है, ये आपको विशेषता था। तो हम आगे देखेंगे कि हमारा अगला जो चार्टर एक्ट है वो हम देखेंगे क्या है, तो 1833 का चार्टर एक्ट है जिसकी क्या विशेषताएं हैं वो हम आगे देखेंगे, चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो हम आगे देखते हैं कि हमारा जो क्या है अगला जो चार्टर एक्ट है कौन सा है, तो 1833 का चार्टर एक्ट है, देखेंगे कि उसकी क्या विशेषताएं थी। तो इसमें भी बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे, तो कौन सा हमारा था ये हमारा 1793 के बाद हमारा कौन सा आपको आपको 1813 का चार्टर एक्ट था। उसके बाद हम देखें क्या आपको जो हमारा अगला क्या है 1833 का चार्टर एक्ट क्या है, तो देखते हैं कि इसमें क्या आपको सुधार किया गया है। 1833 का हमारा क्या है, 1833 का क्या है हमारा चार्टर एक्ट क्या है और इसकी क्या विशेषताएं थी। तो सबसे पहला सुधार जो इसमें किया गया था, हम आपको देखे थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय में क्या कर दिया गया, आपको बंगाल के जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इसमें क्या किया गया कि आपको बंगाल का जो गवर्नर था ना गवर्नर जनरल उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, अर्थात जो हमारा बंगाल का क्या है आपको बंगाल का जो गवर्नर जनरल था कौन था,
बंगाल का जो गवर्नर जनरल था अब उसको क्या कर देगा, तो भारत का क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। किसको बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। और ये अवसर जो प्राप्त हुआ था वो विलियम बेंटिक को, अवसर किसको प्राप्त हुआ था, ये जो अवसर प्राप्त हुआ था विलियम बेंटिक को प्राप्त हुआ था, किसको, विलियम बेंटिक को ये अवसर प्राप्त हुआ था। तो ये चीज रहा था, ये सुधार हुआ था। और साथ साथ चूंकि उस समय क्या किया गया था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय, आपको कंपेयर करके पढ़ना चाहिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय में क्या किया गया था, बंगाल सॉरी मद्रास और बंबई के गवर्नर को उसके अधीन कर दिया गया था। लेकिन इसमें क्या किया गया ना कि दूसरा इसमें जो चीज किया गया इसमें वो किया गया कि बंगाल और सॉरी मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे उनके कानून बनाने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी कि हमारा कौन था, ये जो बंगाल है आप प्लस क्या है आपको बंबई है, क्या है बंबई है, आप प्लस जो मद्रास है इसके जो गवर्नर थे मद्रास के गवर्नर को, गवर्नर जो थे उनके कानून बनाने का जो अधिकार था, कानून बनाने का अधिकार क्या कर दिया गया, बनाने का जो अधिकार था आपको अधिकार जो था उसको क्या कर दिया गया, छीन लिया गया। तो ये काम किया गया था 1833 में। और क्या किया गया था इसमें 1833 में, तो हम देखते हैं, तो था हमारा कार्य, जो हमारा अगला जो चीज था वो क्या था, तो वो क्या था, तो वो हमारा चीज था क्या, तो सबसे पहले इसमें क्या किया गया, जो अगला जो कार्य किया गया था इसमें जो परिषद हुआ करता था इस 1774 के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया था, परिषद का गठन किया गया था जो 4 सदस्य थी, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, यहाँ पर आपको परिषद के सदस्यों की संख्या घटा करके कितनी कर दी गई थी, 3 कर दी गई थी। तो उसके बाद देख रहे हैं कि आपको इस एक्ट के तहत 1833 में क्या कर दिया गया, एक सदस्य को जोड़ा गया विधि सदस्य, कौन से जोड़ा गया, विधि सदस्य जोड़ा गया। और इसके लिए एक आयोग बनाया गया, विधि आयोग, क्या बनाया गया, विधि आयोग बनाया गया था, क्या बनाया गया था, विधि आयोग बनाया गया था। और इस आयोग का जो सदस्य था वो कौन थे, लॉर्ड मैकाले साहब थे, कौन थे, लॉर्ड आपको मैकाले साहब थे, तो ये आपको जानना चाहिए। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो हमारा इसमें अगला जो कार्य हुआ था, ये आपको अगला जो कार्य है, तो इसका ये हम देख चुके हैं कि कौन थे, लॉर्ड मैकाले थे। उसके बाद इसमें एक और सुधार किया गया कि आपको ये हमारे कौन थे, लॉर्ड मैकाले को क्या किया गया, इसका सदस्य बनाया गया। उसके बाद क्या किया गया कि तो अगला सुधार था हमारा क्या, तो आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार पढ़ा हुए हैं कि संविधान में जो 12 से 36 तक इसका वर्णन है उसका थोड़ा सा साक्ष्य मिलता है यहीं पर। देखें क्या कि धर्म जाति और लिंग के आधार पर किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा, धर्म है जाति है लिंग है वंश है, क्या है वंश है, के आधार पर क्या करना है, के आधार पर आपको विभेद नहीं करना है। तो ये रहा, अब हमारा जो अगला एक्ट होगा वो होगा 1853 का चार्टर एक्ट। तो हम देखें थोड़ा चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम देखेंगे क्या, तो सबसे जो हमारा कंपनी के अधीन आने वाला जो अंतिम जो चार्टर एक्ट था वो 1853 का चार्टर एक्ट था, कौन सा था, 1853 का चार्टर एक्ट। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं हम देखते हैं, क्या हमारा आपको 9th नंबर है क्या, तो ये आपको है 1853 का क्या है हमारा चार्टर एक्ट है, क्या विशेषताएं हैं तो देखते हैं। सबसे पहला विशेषता यह है इस एक्ट का, तो आपको सिविल सर्विसेज का आपको ना स्टूडेंट होने के नाते इसे आपको बेहतरीन तरीके से जानना चाहिए, क्योंकि पहली बार इसके तहत क्या किया गया था, तो जो कंपनी में जो कर्मचारी हुआ करते थे वो भाई भतीजवार के आधार पर उनको चुना जाता था। लेकिन आपको जब इस एक्ट को लाया गया तो इस चीज को क्या कर दिया गया, इसमें सुधार किया गया, और किया ये गया कि अब जितने भी इसमें कर्मचारी होंगे उनकी परीक्षाएं होंगी, यानी कि सिविल सेवा की इसमें क्या हुई, सिविल सेवा की शुरुआत दिखाई देती है कहाँ पर, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और इस परीक्षा के तहत आपको जो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे भारत के, वो प्रथम ICS बने, कौन बने, तो भारत के प्रथम ICS इसके तहत बने थे, भारत के प्रथम जो ICS थे वो कौन थे, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, कौन थे आपको
सत्येंद्र नाथ आपको कौन थे टैगोर थे आपको प्रथम आईसीएस इस सिविल सेवा के तहत बनने वाले और इसमें सुधार क्या किया गया है तो हमारा सुधार है आपको क्या तो ये हमारे कौन थे सत्येंद्र नाथ टैगोर थे और इसमें एक सुधार किया गया कि आप जब 1700 सॉरी आपको जब 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसमें जो परिषद हुआ करता था या जो हुआ करते थे उसमें कितने थे 24 उसको घटाकर कितना कर दिया गया था तो उसके सदस्यों की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई आपको तो आप देख रहे थे कि क्या था हमारा आपको जो हमारा बीओडी था क्या था हमारा बीओडी जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी 24 थी इसको घटाकर कितने कर दी गई तो आपको तो इसकी संख्या कितनी कर दी गई 24 से घटा करके 18 कर दी गई ये बीओडी क्या था तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसे निदेशक मंडल के नाम से जानते हैं जो 1784 में क्या आया था पिट्स इंडिया एक्ट के समय में आया था अगला जो इसमें सुधार किया गया था और ये आपको सुधार ये लास्ट सुधार है इसमें क्या किया गया कि आपको अखिल भारतीय क्या किया गया अखिल भारतीय विधानसभा का क्या किया गया था अखिल भारतीय विधानसभा का क्या किया गया था गठन किया गया था क्या किया गया था गठन किया गया था तो हम आज जाने क्या कि जो भारतीय संविधान है उसका विकास किस तरह से हुआ था तो भारत के संविधान का विकास हम लोग देखे थे देख रहे थे कि भारत के संविधान का विकास दो चरणों में हुआ है एक कंपनी के अधीन और एक क्राउन के अधीन कंपनी के अधीन 1600 से लेकर 1853 के बीच आपको ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाए गए नियम और कानून भारत में लाए गए आपको यहाँ पर प्रशासन को रेगुलेट करने के लिए और उसमें से जो नियम और कानून अच्छे लगे उसको क्या किया गया भारतीय संविधान में ग्रहित किया गया जैसे आप देख सकते थे आपको धर्म जाति मूल वंश आधार के आधार पर आपको विभेद नहीं करना है जिसे हम मौलिक अधिकार में देखते हैं ठीक है उसी तरह से आपको क्राउन के अधीन 1858 से लेकर के आपको 1947 के बीच आपको बहुत सारे नियम और कानून लाए गए थे तो हम वो अगले लेक्चर में देखेंगे कि कौन कौन से कानून लाए गए हैं और उनमें से क्या क्या चीजों को क्या किया गया ग्रहित करके हमारे संविधान का निर्माण हुआ है तो आप से एक मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को या वीडियो को क्या कीजिएगा कि अपने साथियों को शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और क्या कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा तो अगले चैप्टर में अगले लेक्चर में देखेंगे क्या क्राउन के अधीन आपको संविधान के विकास तो बस आज के लिए इतना ही जय हिंद जय भारत।